नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां खानपुर थाना क्षेत्र के शोभन बसंत गांव से बीते दिनों बरामद की गई नाबालिग के शव मामले में मुफसिल पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने से नाराज मृतका के परिजनों ने गुरुवार 19 सितंबर की सुबह जिला मुख्यालय के पटेल गोलंबर के पास बैनर पोस्टर के साथ सड़क पर बैठकर सड़क जाम कर दिया तथा मुफसिल पुलिस व पुलिस विभाग के अन्य वरीय पदाधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। वहीं सड़क जाम की सूचना मिलने के बाद सदर अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप कुमार व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार पांडेय जाम स्थल पर पहुंचकर सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे लोगों को काफी देर तक समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। प्रदर्शनकारी जाम स्थल पर पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर तथा जिलाधिकारी समस्तीपुर को बुलाने की मांग पर अड़े रहे, जिसके बाद समस्तीपुर पुलिस ने सदर अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप कुमार व एसपी सहित डीपीओ संजय कुमार पांडेय की मौजूदगी में बल प्रयोग करते हुए सभी प्रदर्शनकारियों को पीट पीट कर जाम स्थल से भगा दिया, जिसके बाद यातायात को पुनः एक बार फिर बहाल किया जा सका। मौके पर मौजूद मृतका के भाई मोहम्मद का बताना है कि उनकी नाबालिग बहन की लाश विगत दो दिनों पहले खानपुर थाना क्षेत्र के शोभन बसंत गांव स्थित एक पुल निर्माण कंपनी के कैंप के पास बूढ़ी गंडक नदी से संदिग्ध अवस्था में बरामद किया गया था, जिसे मुफसिल पुलिस के द्वारा बरामद कर पोस्टमार्टम के बाद शव उन लोगों को सौंप दिया गया था। लेकिन घटना के तीन दिन बीत जाने के बाद भी मुफसिल पुलिस के द्वारा बदमाशों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिसके बाद आजिज होकर आज वह लोग धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हुए हैं। वहीं इस बाबत पूछे जाने पर एएसपी सहित डीपीओ सदर वन संजय कुमार पांडेय ने बताया कि मुफसिल थाना अंतर्गत हकीमाबाद गांव की एक बच्ची का शव नदी के किनारे से बरामद किया गया था। बरामद बच्ची के शव का मुफसिल पुलिस ने विधिवत पोस्टमार्टम भी कराया तथा साथ ही खानपुर थाना क्षेत्र के जिस स्थान पर लड़की गई थी उस स्थान पर कार्यरत एक पुल निर्माण कंपनी के कार्यालय का भी उन लोगों के द्वारा निरीक्षण किया गया है तथा वहां के सीसीटीवी फुटेज को भी जब्त किया गया है, जिस पर काम चल रहा है। हालांकि इसी बीच एक अफवाह भी फैलाया गया कि उक्त बच्ची के साथ बलात्कार भी किया गया है। परिजनों के उस बिंदु पर भी चिकित्सक के साथ बात की गई है तथा मृत बच्ची का स्वाब लेकर जांच में भेजा गया है, जिसका टेस्ट रिपोर्ट अभी नहीं आया है। टेस्ट रिपोर्ट के मिलते ही यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि उक्त किशोरी के साथ और कोई भी घटना हुई थी या नहीं। इस बीच मुफसिल थानाध्यक्ष पिंकी प्रसाद लगातार दो दिनों से पीड़ित परिवार से मिलकर आवेदन लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन मृतका के परिजनों द्वारा मुफसिल पुलिस को अभी तक आवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसी बीच मृत किशोरी के परिजन अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ गुरुवार 19 सितंबर की सुबह करीब 10:15 बजे पूर्व से प्रिंटेड बैनर पोस्टर के साथ, जिसमें मृतका के परिजन व स्थानीय हकीमाबाद गांव के स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग भी शामिल थे, सभी ने मिलकर जिला मुख्यालय के पटेल गोलंबर समस्तीपुर व अन्य जगहों पर पहुंचकर जाम कर दिया, जिसके बाद वह सदर अनुमंडल पदाधिकारी समस्तीपुर दिलीप कुमार के साथ मौके पर पहुंचकर सड़क जाम समाप्त करा लिया। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि सड़क जाम करने वाले लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की जा रही है। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इंसाफ मिलेगा, इंसाफ करवाना आपका काम है। दूसरी बात है, नहीं समस्तीपुर का माहौल आप लोग कृपया खराब नहीं करें। आपके ताने से नहीं रहा जाएगा, आपके ताने देखो प्रतिक्रिया कहाँ क्या, तो दूसरी बात होगी। झूठ बोल, देखिए हमारे पास झूठ मत बोलिए। आज भी आपके पास थाना प्रभारी गई है, नहीं देखिए गलत बात नहीं, आज भी थाना प्रभारी आपके पास गई है और आप दीजिए हमको लिख करके, अभी दीजिए ना, अभी दीजिए इसको, जो चीजें हैं प्रशासन का कानून है, आवेदन दीजिए और लोगों को बरामद कीजिए। बाकी चीज छोटे गलत हुआ सर हमारे साथ, फिर भाई हमको गलत में हमारे साथ Come on, 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 come on
मामला एक है कि मुफस्सिल थाना अंतर्गत हकीमाबाद गांव है, वहां एक बच्ची का शव नदी के किनारे पाया गया था। उसका विधिवत पोस्टमार्टम भी कराया गया और हर बिंदु पर हम लोग पोस्टमार्टम करा रहे थे। साथ ही जहां पर लड़की गई थी और रास्ते से और एक जो पुल का कंपनी जो है काम कर रही है, जहां पर एक अफवाह फैलाया गया है, वहां का भी हम लोग सीसीटीवी फुटेज लेकर के हम लोग उस पर काम कर रहे थे। एक मामला लाया गया कि बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है, तो इस बिंदु पर पोस्टमार्टम के दौरान में हम लोग चिकित्सक से स्वयं जो है पहल करके, क्योंकि मामला संवेदनशील है और पुलिस भी आज का संवेदनशील है, इसलिए उस बिंदु पर हम लोग गहराई से काम कर रहे थे। उसका स्वाब टेस्ट का रिपोर्ट अभी नहीं आया है, जैसे ही आएगा चिकित्सक द्वारा स्पष्ट कर दिया जाएगा कि इसके साथ घटना घटी है या नहीं घटी है। एक बिंदु, दूसरी बिंदु ये पाई गई कि आज अभी तक, आज सुबह तक थाना प्रभारी पीड़ित के परिवार से जाकर के मिली और लिखित शिकायत भी प्राप्त करना चाहिए, उस दिन भी लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुआ और आज सुबह तक लिखित शिकायत नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन उनके परिवार और बहुत सारे लोग, जिसमें जनप्रतिनिधि लोग भी हैं, और एक साजिश के तहत बैनर पोस्टर पहले से ऑलरेडी प्रिंटेड था, इसको लेकर के पटेल गोलंबर और अन्य जगह ये जाम कर दिए। ये ऐसा लग रहा था कि बच्ची के साथ सस्पेक्ट मामला बना करके और एक अफवाह फैला करके समस्तीपुर आम जनता के बीच में एक साजिश के तहत इसको प्रोपगंडा बनाना चाह रहे थे। हम लोगों ने हम और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा कई बार वार्ता भी किया गया, लेकिन वो लोग बात नहीं समझ रहे थे, तो इसमें एक साजिश की भूल लगी और हम लोगों ने तत्काल वहां से जो भीड़ था उसको हटा करके जाम क्लियर किया गया है। पटेल गोलंबर पर जो जाम हुआ है वहां भी FIR होगा, जाम जहां भी हुआ है वहां FIR होगा और कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उसको मार के उसको नदी किनारे फेंक दिया गया। जब हम लोग खोजने ही निकले पता चला खानपुर में उसका लाश है। जब हम घर वाले को किसी को मतलब बोलने भी ना, वहाँ का प्रशासन लाश को अपने कब्ज में रख के यहाँ सिविल हॉस्पिटल में लाया गया, उसका पोस्टमार्टम भी हो गया, लेकिन हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। जब मिला तो पता चला कि बच्ची डूब के मर गई है, लेकिन जब उसको घर पर उसके सब को लाया गया, जिस माँ बहन ने उसको मतलब नहलाया, तो उसको देखने के बाद एक माँ बेटी को जन्म देती है तो सब कुछ उसकी माँ ही जानती है। तो जो मेरे बेटी के साथ हादसा हुआ तो उसके बारे में उसकी माँ ही नहीं जान सकती कि मेरी बेटी के पहले का नदी में डूब के मरने का, उसके साथ दुष्कर्म होने का, सबका पहचान उसकी माँ रख सकती है। हमारे बच्ची के साथ बलात्कार करके उन लोग दरिंदों ने मार दिया गया। उसके बाद जब हम लोग गरीब इंसान है, लेवर क्लास के इंसान है, उसके बाद को दबाने के लिए वहां के कुछ इंसान ठेकेदार ने सोचा कि इसको पैसा देके इसको यहीं से रफा दफा कर दिया जाए। ये मतलब मुफस्सिल थाना में भी इसके है, यहाँ से भी हम लोग को कुछ सुनवाई नहीं हुआ। जब 4 दिन हो गया हम लोगों को यहाँ से, जब किसी दिन से कहीं से हम लोग को इंसाफ नहीं मिला, तो हम लोग धरना पे शांतिपूर्वक से जितने भी इंसान महिला ही थे सब थे, लेकिन वहां के इंचार्ज लोग ने हम लोगों के साथ बहुत बदसलूकी किया। थाना प्रभारी लोग लेडीज जेंट्स सब था, सबको मारा पीटा, वहां से बेहरामी से भगा दिया गया और मेरे कुछ आदमी को ले जाके वो बंद कर दिए।